यह कहानी एक किसान की। एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वो सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने के हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो है खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुशित हुए और देखते देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहा था। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए।